बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन एवोल्यूशन की आपने तीन स्टेजेस पीछे तीन वीडियो में देखी कि किस तरह से सप्लाई चेन हर एक स्टेज के ऊपर बिल्कुल चेंज होके इंप्लीमेंट हुई। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज थी उसके ऊपर प्राइस मैटर नहीं कर रही थी। जब फोर्ड कंपनी ने सप्लाई चेन को इम्प्लीमेंट किया तो उसके मद्देनज़र जो प्रायोरिटी थी नंबर वन वो थी उसकी कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है उसकी प्रायोरिटी थी। उसकी प्रायोरिटी प्राइस नहीं थी क्योंकि उस वक्त गाड़ियां बिल्कुल इन्वेंट हुई थी, नई नई शुरू हुई थी दुनिया में आनी, तो प्राइस मैटर नहीं करती थी। जो लोग अफोर्ड करते थे वो किसी भी प्राइस पे उसको लेने के लिए, यानी वो प्राइस कॉन्शियस नहीं थे कि जी इतनी सस्ती होगी तो हम लेंगे। वो लोग जो अफोर्ड करते थे वो कोई भी प्राइस पे करने को तैयार थे, तो प्राइस मैटर नहीं करती थी। ना ही फोर्ड मोटर ने प्राइस के ऊपर फोकस किया। फोर्ड मोटर ने जो फोकस किया वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, सर्विसेज और टाइमली उनको डिलीवर करने के ऊपर फोकस किया। यानी सप्लाई चेन के जो तीन बेसिक पिलर है कि मिनिमम प्राइस हो और मिनिमम टाइम में प्रोड्यूस हो जाए चीज़ और कस्टमर को एक गुड क्वालिटी, यानी वो क्वालिटी जिस पे वो सेटिस्फाइड हो वहाँ पे वो पहुँच जाए। तो फोर्ड मोटर ने जो दो इसके थ्योरीज थी कि प्राइस को छोड़ दिया कि मिनिमम टाइम में, यानी 81 आवर में वो गाड़ी को डिलीवर कर देते थे फ्रॉम माइनिंग टू बिल्कुल रेडी टू ड्राइव कार कस्टमर को दे देते थे। और उनकी प्रायोरिटी क्या थी कि 81 आवर में डिलीवर हो जाए प्लस कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए कि उसको एक गाड़ी मिल गई है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आई टोयोटा मोटर कंपनी ने जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की सप्लाई चेन की, तो उनका जो प्रायोरिटी नंबर वन थी वो थी प्राइस, क्योंकि वो अपने कंपटीशन को उनके साथ फाइट करना चाहते थे। उस वक्त यूरोपियन और अमेरिकन जितनी गाड़ियां थी वो एक तो बड़े साइज की गाड़ियां थी, कीमत उनकी बहुत ज़्यादा थी, और टोयोटा कंपनी ने जो कम्पीट किया वो प्राइस के ऊपर किया कि उसने गाड़ियों का साइज छोटा कर दिया और प्राइस को बिल्कुल हाफ से भी कम कर दिया। तो टोयोटा कंपनी ने प्राइस के ऊपर फोकस किया, उसके बाद उसने जस्ट इन टाइम यानी कि टाइम को भी मिनिमम करने की कोशिश की, और उसके बाद थर्ड वन के गुड क्वालिटी गाड़ी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से उसको डिलीवर की। तो टोयोटा कंपनी यानी सेकंड स्टेज जब जो सप्लाई चेन एवोल्यूशन में थी उसमें इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया कि प्राइस भी कम हो, टाइम भी मिनिमम हो और एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट भी डिलीवर हो जाए कस्टमर को। अब चलते हैं थर्ड स्टेज जहाँ पे डेल ने जो इम्प्लीमेंट की, बिल्कुल एक दोनों को मिक्स किया, फर्स्ट स्टेज को भी सेकंड स्टेज को भी, और उसके साथ इंटरनेट की एडवांस शक्ल को ऐड करते हुए उसने इन्हीं तीनों चीज़ों को जारी रखते हुए कस्टमर को एक यूनिक ऑफर दी कि कस्टम बिल्ड चीज़ें हम आपको देंगे जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका ब्लैक कलर हो तो वो ब्लैक होगा, अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर का रेड कलर हो तो रेड होगा, वाइट हो तो वाइट होगा, आप चाहते हैं रैम इतनी हो तो इतनी होगी, हार्ड डिस्क इतनी हो तो इसकी होगी, इसका ग्राफिक कार्ड अगर इतना चाहिए तो इतना होगा। तो उसने कस्टम बिल्ड का कंसेप्ट दिया जो कि ना फोर्ड मोटर दे सका ना ही टोयोटा कंपनी दे सकी। तो ये जो है ये लीन कंसेप्ट है, लीन मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट है कि जिसमें एक यूनिट भी अगर प्रोड्यूस करना है तो एक एक ही होगा, उस जैसा दूसरा यूनिट दुनिया में प्रोड्यूस नहीं होगा, तो एक यूनिट प्रोड्यूस होगा और कस्टमर को दे दिया। इसको कस्टमर बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं और या लीन मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। लीन और जायल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है। जायल होती है जो बल्क में प्रोड्यूस होता है जनरल यूज़ के लिए, और लीन होता है जो कि मिनिमम क्वांटिटी यानी कि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली जो प्रोड्यूस होता है। तो जो डेल कंपनी थी उसने कस्टमर बिल्ड प्रेफरेंस के ऊपर जोर दिया कि हम आपको जो कॉस्ट है और टाइम है और जो आपकी सेटिस्फेक्शन है उनके साथ एक नई चीज़ देंगे कि हम आपको आपकी डिज़ायर के मुताबिक चीज़ प्रोवाइड करेंगे और उस जैसी चीज़ दोबारा और नहीं होगी, या अगर किसी को होगी ज़रूरत तो होगी, अदरवाइज दोबारा वो चीज़ नहीं बनेगी। तो ये कस्टमर बिल्ड का कंसेप्ट उन्होंने फिर थर्ड स्टेज में ऐड किया। तो इस तरह से तीनों स्टेजेस के ऊपर
जो चीज़ें फोकस की गई सप्लाई चेन को इम्प्लीमेंट करते हुए, उसमें फर्स्ट स्टेज में था कि आप टाइम और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, और सेकंड स्टेज में प्राइस टाइम और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, और थर्ड स्टेज में प्राइस टाइम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन प्लस कस्टमर बिल्ड प्रोडक्ट दी गई। उम्मीद है आप इन्फॉर्मेशन पसंद कर गए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।